Hello friends, hello Dostom. I am Keshri Nivas, Director of Premier Education and Off Classes. Proudly presents in front of you the interview of the toppers of our academy, of our institute. दोस्तों, टॉप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आइए जानते हैं क्या वो सीक्रेट्स हैं, किस किसने इनकी हेल्प करी है, इन्होंने रिवीजन कैसे करी, इन्होंने पेपर्स कैसे सॉल्व करी है। आइए जानते हैं इन बच्चों से इन्हीं के जवाब। चलिए स्टार्ट करें। तो ये है दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपर निशांत, डीएलएफ स्कूल के। और बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेहा मैम की टीचिंग के अंडर आपने 100 स्कोर किया, परफेक्ट 100। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं ऐसा। एंड इट गिव्स मी इमेंस ऑनर कि मैं आपको आपकी ट्रॉफी दे रहा हूँ, विनिंग ट्रॉफी सर। तो आप पहली बात तो बेटे बहुत बहुत बधाई आपको, आपने 100 स्कोर किया है, छोटी बात नहीं है ये। प्रिसाइजली मैं आपको बताऊँ तो आप सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट सीक्रेट, कि क्या किया आपने ऐसा कि आप 100 आपने स्कोर किया इकोनॉमिक्स में, और एक बार आपने दूसरे सब्जेक्टों में भी कितना कितना स्कोर किया। ज़रा बच्चों को बताइए, बच्चे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। आप ही के मुँह से बच्चा जानना चाहता है कि भाई ऐसा क्या है जो वो भी फॉलो करे। व्हाट वाज द एग्जैक्ट सीक्रेट बेटा? अच्छा, बेसिकली मैं अपने मार्क्स पहले बता देता हूँ। 95 इंग्लिश, मैथ्स 90, केमिस्ट्री और 87 फिजिक्स। अच्छा, अब सीक्रेट्स की बात करें तो बेसिकली मैंने दो चीज़ें फॉलो करी है। एक तो पूरे साल मैं काम रहा हूँ, उससे मतलब काम रहने से क्या है, मैं कभी भी टेंशन या उस चीज़ों में मैंने पढ़ाई नहीं करी, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स जो थे एकदम बिंदास क्लियर थे। और दूसरी चीज़ इसमें नोट करना, रेगुलर रिविजन्स। मैं रेगुलर स्टडीज़ नहीं कहूँगा, रेगुलर रिविजन्स। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है दोनों में। रेगुलर स्टडीज़ में बेसिकली मतलब तुम रोज़ रोज़ चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन रेगुलर रिविजन्स इज़ जब तुमने जो चीज़ पढ़ी है उसी को तुम रिवाइज़ कर रहे हो। क्योंकि मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही वास्ट नहीं है, लेकिन तो हर बच्चा वो कंप्लीट कर सकता है स्टडीज़। मतलब जब उस पेपर दे रहा होता है वो पूरी तरह तैयार होता है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आती है, रिविजन्स में। अब कोई बच्चा उसने वो चीज़ पक्का जो पेपर में आती है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो सिलेबस से बाहर होती है, उस बच्चे को नहीं पता होती, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसको वो चीज़ याद नहीं आती। और वो कैसे कर सकते हो, रेगुलर रिविजन्स। अब रेगुलर रिविजन्स में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मतलब हर दिन जा रहे हो रिवाइज़ कर रहे हो। मैंने बेसिकली ट्वाइस अ वीक रिवाइज़ किया था। मतलब पहले 3 दिन, जैसे मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं देता था, तो मैं केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स इसमें देता था। लेकिन मैं ये मेक श्योर करता था कि हर 3 दिन में मैं एक बार जो मैम ने पढ़ाया या फिर स्कूल से जो पढ़ाया वो रिवाइज कर लूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब आपका पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आपने कहा काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर हैं आपके, 90, 95 दो सब्जेक्टों में है और इको में 100। तो आपका रिएक्शन कैसा था जैसे ही आपने फ़ोन में देखा होगा या कंप्यूटर में देखा होगा अपना स्कोर? आपका रिएक्शन कैसा था, घर वालों ने कैसा रिएक्ट करा, क्या रिएक्शन था आपका? और मतलब मैं बताऊंगा सही में रिएक्शन तो लोग हंसेंगे, मेरा रोना निकल गया था सही में। मैं जब पहले देखा तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि 100 हुआ। 4 बार मैंने मम्मी को बुलाया और कंफर्म करवाया कि मम्मी ये मेरा ही है ना, क्योंकि मेरे को खुद की आंखों में सही में भरोसा सा नहीं आ रहा था। और उस टाइम क्या हुआ था, मेरे इंग्लिश के मार्क्स भी दिखे थे, थोड़ा मैं उससे डिसअपॉइंटेड था कि मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था वो नहीं था। लेकिन मतलब इकोनॉमिक्स ने ना वो ओवरकम कर दिया। और मेरा पहला ये था कि मैं नेहा मैम को फ़ोन करूँ, क्योंकि उनने मेरे को पूरे साल गाइड किया और उन्हीं की वजह से, सही में उन्हीं की वजह से मेरे 100 आए। तो मैंने सबसे पहले मैम को फ़ोन किया, और मम्मी भी मतलब साथ मम्मी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि परफेक्ट 100 करे, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा सही में। मतलब आंसू तो निकल ही गए थे मेरे। चलिए, क्योंकि आपने जब नेहा को कॉल किया था तो उनके साथ मैं भी था। हाँ। और जैसे ही नेहा ने कहा था कि 100 आ गए तो मैंने मैम को भी देखा था, वो काफ़ी खुश थी, और आपकी आवाज़ भी मैंने सुनी थी। हाँ। आप तो एक्साइटेड थे, तो अच्छी बात है काफ़ी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मेरे से ज़्यादा मैम एक्साइटेड थी, मेरे को उस बात की बहुत खुशी हुई थी। नहीं, देखिए बेटा जितना इम्पोर्टेंट स्कोर आपके लिए होता है उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी होता है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है ये। अब ये बताइए कि पेरेंटल सपोर्ट कैसा था, और प्रीमियर एजुकेशन के फैकल्टी ने एग्जैक्टली हेल्प कैसे की आपको, ये ज़रा ब्रीफ करिए। पेरेंटल सपोर्ट, स्टाफ का सपोर्ट क्या था? मेरा तो मानना है कि अगर पेरेंटल सपोर्ट और फैकल्टी का सपोर्ट ना हो तो बच्चा अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर बच्चे के मतलब ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जहाँ पे उसके लो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसका लो पॉइंट ना आया हो, खासकर 12th में। मतलब मेरे भी आए थे, मेरे को बहुत बार कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं गया मैम पे गया, पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि कोई नहीं, अभी तू प्रैक्टिस करेगा तो तेरे को कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। एज इन इकोनॉमिक्स में मेरे को ये कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि पढ़ाई मतलब पहले से ही कंसेप्ट सब क्लियर थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में हुआ था। लेकिन वो पेरेंट्स ने इतनी मतलब कामली हैंडल किया, ये नहीं कि मतलब वो अपना प्रेशर भी मेरे ऊपर डाल रहे, उन्होंने एकदम मतलब कामली हैंडल करा, जिसके वजह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे दिमाग में था हाँ कि कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, आराम से कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, और उन्हें भी पढ़ा, उनको भी आया, मेरे को भी आ जाएगा। और प्रीमियर की फैकल्टी का मैं मानूंगा उनकी काउंसलिंग होती थी, काउंसलिंग क्लासेस, मेरे को लगता है उसने भी बहुत फायदे वो वगैरह दिए हैं, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा मैं साइंस स्ट्रीम से था और मैं साइंस की तरफ कोई जा रहा था, लेकिन इकोनॉमिक्स पूरा एक टर्न मैं कहूँगा कि मतलब इकोनॉमिक्स के साइड प्रीमियर की वजह से ही हुआ है, और मतलब इतना पसंद भी मेरे को इकोनॉमिक्स प्रीमियर की वजह से ही हुआ, तो फैकल्टी को मैं बहुत थैंक्स बोलूँगा सर। चलिए बेटा, अच्छा एक बात बताइए मुझे, बच्चे अधिकतर कहते हैं कि भाई दिन में 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, भाई 12th का बोर्ड है, आपको इतनी स्टडीज़ करनी चाहिए, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं देखिए बोर्ड के आसपास तो चलिए 5-7 घंटे 8 घंटे आम बात है, बोर्ड के दौरान हुआ या फरवरी के महीने में हुआ, वहाँ पर तो देखिए 5-7-8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे साल की। पूरे साल में आप क्या कह सकते हैं कि आपने तकरीबन कितनी पढ़ाई करी? आपने दिन में पढ़ाई करी या शाम को पढ़ाई करी या रात को पढ़ाई करी? तो ऐसा क्या, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं रात का कीड़ा हूं, मैं रात को पढ़ता था। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग मॉर्निंग में उठ के 4 बजे उठ के पढ़ सकते हैं, मैं कभी नहीं पढ़ सकता था। तो आपका क्या क्या सीक्रेट है कि भाई आप दिन में पढ़ते थे या रात को पढ़ते थे और पूरे साल? जैसे आपने पहले भी कंसिस्टेंसी जो वर्ड बोली थी तो उसमें वाला क्वेश्चन हो गया था, बट स्टिल मैं जानना चाहता हूँ कि सवेरे क्या पढ़ा, शाम को क्या पढ़ा, व्हाट वाज थ्रू आउट द ईयर, आपने कैसे अपनी पढ़ाई को कैरी करा, दिस इज माय क्वेश्चन। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैं रात का कीड़ा हूँ जैसे सर ने बोला, लेकिन वो सिर्फ मैथ्स वगैरह में। मैं क्या करता था, मैं गाने लगा देता था फुल वॉल्यूम में और रात को बैठ जाता था। मैथ्स जैसे इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वो तुम रात को कर सकते हो, लेकिन एज ए थ्योरी पार्ट जो होता है, मेरा मानना है अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है ना थ्योरी में, तुम खुद बैठ के पॉइंट्स बना सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि तुम पॉइंट्स मत पढ़ो या रटो, तुम कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। कंसेप्ट अगर तुम्हें खुद समझ आ गया ना, तुम पॉइंट्स खुद ही बना सकते हो। तो मैंने इकोनॉमिक्स जो था वो शाम का टाइम, अगर जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो शाम के टाइम पे मैं मानता हूँ सबसे आसान होते हैं, क्योंकि रात को डिस्ट्रैक्शंस होती है। इसलिए मैथ्स में प्रेफर करता हूँ मैथ्स से न्यूमेरिकल्स, क्योंकि गाने लगा के तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। अब गाने लगा के तुम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते, तो मैक्रो वगैरह अगर जैसे पढ़ना हो तो शाम के टाइम पढ़ लिया या सुबह पढ़ लिया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये नहीं कि पॉइंट्स रटो। चलिए बहुत अच्छा। सोशल मीडिया वगैरह थे आप उसमें एक्टिव वगैरह? वो तो मतलब सोशल मीडिया में इस वजह से नहीं था, पढ़ाई की वजह से मैं खुद से इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब पढ़ाई की वजह से कुछ रिलेशन नहीं था। लेकिन मैं अलग से, जैसे मैं रोज खेलने जाता था, मैं सुबह सुबह उठ के मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने जाता था, घूमने में गया हूँ, बहुत गया हूँ। 12th थी, लास्ट ईयर थी, दोस्तों के साथ तो मैं बहुत घूमने गया हूँ। मतलब कभी तो पेरेंट्स भी परेशान थे कि मतलब 12th है, क्या कर रहा है। तो मतलब बेसिकली आप सोशल मीडिया में नहीं थे, लेकिन पढ़ाई के कारण नहीं था, पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। खेल कूद वगैरह मैंने तो ये भी आपको मतलब ये भी मैं बताना चाहूँगा कि निशान जिस टीम में है तो वी आर प्लानिंग टू स्पॉन्सर दैट टीम एज वेल। तो ये क्रिकेट टीम में है ये, हाँ, तो जितना मतलब मैंने 12th में क्रिकेट खेलूंगा ना मैचेस वगैरह, वो उतना मैंने इवन 11th में भी नहीं खेला। मतलब प्रैक्टिस मैचेस, टूर्नामेंट्स, फ्रेंडली भर के इवन दिसंबर में तक मैं मैचेस के लिए गया हूँ। अच्छी बात है। मतलब देखिए मैं भी मानता हूँ कि मैचेस ये सब भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा हटा देते हैं। कोकरिकुलम 7 से 7 उतना ही इम्पोर्टेंट जितना पढ़ाई है। जी जी, मशीन लगातार चलती रहेगी, तो नहीं होगा, तुम्हें भी तो कोई फ्रेश होना। जैसे तुम्हें कुछ लुक फॉरवर्ड, जैसे मैं क्या करता था, मेरे को अगर 2 घंटा पढ़ना है तो मैं ये बोलता था मेरे को 2 घंटा बैठना है, क्योंकि उसके बाद मेरे को टीवी देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे अगर ये दिमाग में रहेगा ना कि हाँ मैंने 2 घंटा सही से बैठ के पढ़ लिया तो मैं टीवी देख सकता हूँ, तो मैं ऐसे ना मोटिव, छोटे छोटे मोटिव सेट करता था कि मतलब ये करना है, मेरे को फोन करना है, तो मेरे को 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो मैं नहीं उठूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये है कि आप अपने आप को एक ट्रीट देते थे। हाँ, हाँ। कि यार अगर मैंने 2 घंटे पढ़ा तो चल भाई मैं 1 घंटा टीवी देख सकता हूँ। यू गिव योरसेल्फ अ ट्रीट। यस, और तो वो आप उस चीज़ ने आपको मोटिवेट करा कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं 2 घंटे, ताकि मैं 1 घंटा टीवी देख पाऊँ। हाँ। भाई मैं संडे को मुझे मैच खेलने जाना है तो सैटरडे को मुझे कम से कम मैथ्स का एक एक्सरसाइज मुझे खत्म करनी है, ताकि तो आप वहाँ पर भी एंजॉय कर पाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए खैर, आप तो स्टार्टिंग से ही रिवीजन वगैरह बोल रहे हैं, तो एक बात बताइए एंड में रिवीजन कैसे करी जाए? मतलब ये स्टार्टिंग से मैंने रिवीजन बोला तो है, लेकिन मैंने नहीं किया था, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे को एंड में जाके समझ आया। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैं करता था तो इकोनॉमिक्स मेरे को मतलब पसंद आने लग गई थी, तो मैं पढ़ता था बहुत, तो मेरे को अच्छी तरह याद हो गया था। मतलब सितंबर तक या अक्टूबर नवंबर तक मेरे को पूरा सिलेबस सही से आता था, तो मैंने इकोनॉमिक्स की साइड ज़्यादा देखा नहीं और मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया। उसके बाद जब जनवरी आया तो मैंने देखा तो ऐसी कई चीज़ें थी जो मेरे को याद ही नहीं, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर मैं गया, फिर मैम वहाँ पे रेगुलरली क्लासेस लेती थी जिसमें मैम पेपर करवाती थी, मॉक शीट्स वगैरह करवाती थी, और उस टाइम मेरे को समझाया कि मतलब रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं वो पढ़ा मेरे को याद तो सब आ गया। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने ये पहले ही किया होता, जो वहाँ टाइम वेस्ट किया था मैंने एक्स्ट्रा रिविजन करने के लिए कि जो मैंने पहले नहीं किया था, तो अगर मैं पहले कर लेता तो वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ वर्कशीट्स वगैरह, जैसे मैम ने हमें बहुत सारे वर्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे। तो वही हमारा वैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैम्पल पेपर की इम्पोर्टेंस बताइए बच्चों को, सैम्पल पेपर की क्या इम्पोर्टेंस है, मॉक पेपर की क्या इम्पोर्टेंस है। और मतलब मैं तो बच्चों को बोल बोल के परेशान हो जाता हूँ कि बच्चों जितना पेपर दो उतना अच्छी बात है, बच्चों को लगता है कि पेपर छोड़ो हम लोग सिर्फ बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सैम्पल पेपर की इम्पोर्टेंस, मॉक पेपर की इम्पोर्टेंस, स्कूल में प्री बोर्ड्स, री प्री बोर्ड्स देने के क्या इंपॉर्टेंस है, जितने ज़्यादा पेपर तो क्या इंपॉर्टेंस है बेटा ये बताइए। इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें तुम्हारी लिखने की आदत बनती है। क्योंकि हम लोग की क्या है, हमें जैसे इकोनॉमिक्स में पूछ लिया क्वेश्चन, हमने तो ऐसे आंसर कर दिया, मतलब कलों के लिए हमने आंसर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिक्स जैसा पेपर जो है उसमें प्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा ही मतलब इंपॉर्टेंस होता है। तो जब हम ये सैम्पल पेपर या मॉक पेपर्स वगैरह करते हैं तो हमारी लिखने की आदत बनती है और पॉइंट्स वगैरह हमारे को याद आते हैं। मतलब जितना सैम्पल पेपर करोगे उतना अच्छा है, जैसे न्यूमेरिकल जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसी इकोनॉमिक्स में थ्योरी पार्ट को तुम लिख लिख के करोगे तो तुम्हें वो पक्का याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम भूलो। लेकिन जब तुम नॉर्मली ऐसे देख देख के पढ़ रहे हो तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा है, हायर चांसेस है कि तुम भूल जाओ वही चीज़। तो मेरा मानना है कि बस ये चीज़ है कि पेपर के एक दिन पहले सैम्पल पेपर मत करना, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं पता होता और फिर हम फ्रीक आउट कर जाते हैं कि बोलते हैं कि हम कैसे करेंगे, ये हमें नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन उससे पहले जितने सैम्पल पेपर मतलब जितना कर सकते हो, जैसे 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है वो हर सब्जेक्ट के लिए आती है, मैं बोलूँगा कि वो प्रेफर करें कि अलावा, वैसे तो मैम बहुत सारा मटेरियल देती है, उसके अलावा अगर किसी और को और चाहिए तो वो बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें पिछले 10 साल से 1 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सबके क्वेश्चन है जो आ रखे हैं, और उससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी लिखने और सॉल्यूशंस भी है तुम्हारे। ओके, कई बच्चे कहते हैं कि चल भाई जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वहाँ पर पेंसिल से डायग्राम बनाना चाहिए और वहाँ पर कुछ शेड्यूल्स होते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर पेंसिल्स इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब मैं पेपर कर रहा हूँ तो मैं इनका प्रयोग यूज़ करूँ मैं, या फिर चल ठीक है अभी रफली कर लेता हूँ मैं, ये थोड़ा सा प्रकार का ये तो एकदम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन। क्योंकि अब खुद से सोचो, कोई तुम्हारा खुद का पेपर तुम चेक कर रहे हो, तुमने पेन से गंदी सी ड्राइंग बना दी और वही सेम चीज़ पेंसिल से करी, तो जो चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, उसको ये दिखेगा कि हाँ भाई मतलब इस बंदे ने मेहनत करी है, इसको चाहे आता कम हो लेकिन इसने अपने आंसर में पूरे फुल एफर्ट डाले हैं। सेम टाइम पे वो जो केयरलेसली ड्राइंग कर रहा है, डायग्राम कर रहा है, तो किसी को सबको दिखने में अच्छी चीज़ें लगती है, किसी को शायद चीज़ें पसंद नहीं आती। तो एग्जामिनर को क्या होता है, वो सबसे पहली जब नज़र पड़ती है तो प्रेजेंटेशन में पड़ती है, वो ये नहीं पड़ता कि आंसर पढ़ रहा है, क्वेश्चन क्या है, वो ये नहीं देखता, वो देखता है कि कितना क्लीन है। तो वो कहता है कि चलो कहीं कम हो गए, कोई नहीं, इस बंदे ने अपने 100% एफर्ट्स डाले तो इसको मार्क्स दे देना चाहिए। ओके, और अगली बात बेटा मैं ये बोल रहा था, चलो ठीक है आपने तो बोर्ड्स की प्रेजेंटेशन की बात करी, हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ सैंपल पेपर करते टाइम, हाँ। क्या आपको वहाँ पर भी प्रेजेंटेशन का ध्यान देना चाहिए, पक्का करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए, क्योंकि क्या तो बच्चे कहते हैं कि सर नंबर थोड़ा ना मिल रहे हैं, हाँ वो यही तो दिक्कत करते हैं, ये मैं भी करता था यही सेम दिक्कत, यही तो होती है प्रॉब्लम। मैंने एंड एंड में जाके सुधार देता। क्या होता है जब हम सैंपल पेपर करते हैं हम कहते हैं इसके मार्क्स थोड़ा ना मिल रहे, कौन चेक कर रहा है, हम ऐसे। फिर पेपर में क्या होता है ना, पेपर में भी हमारी वही मेंटालिटी होती है, हम कोशिश यही करते हैं कि हम नहीं बनाए, लेकिन हमारी मेंटालिटी वही रहती है कि हाँ थोड़ा वैसा, उससे तो अच्छा बना है ना। हमारा कंपैरिजन किससे होता है, हमारे वर्स्ट वाले उससे। हम ये नहीं कर रहे कि हम सैम्पल पेपर इतने अच्छी तरह कर रहे हैं तो हम कंपेयर करेंगे, अरे हाँ यार सैम्पल पेपर से ज़्यादा अच्छे प्रेजेंटेशन करना। हम क्या करते हैं, सैम्पल पेपर हमने ऐसे किया तो हमने तो उससे ज़्यादा एफर्ट डाले, उससे तो अच्छा ही बना होगा, क्या करना है। चलिए बहुत बढ़िया। और पूरा 3 घंटे दे देते पेपर करने के लिए, पूरा 3 घंटे नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सैम्पल पेपर करते हो कोई तुम्हारे को प्रेशर वेशर कुछ नहीं होता, 2.5 घंटे में तुम्हें करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बोर्ड्स में तुम 3 घंटे में करो। क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है प्रेशर रहता है तुम्हारे, सबसे पहली बात नर्वस तो हो गए, जब पहला पेपर दोगे इंग्लिश के कोई भी पेपर हो, तुम हाथ वाथ कांपने लगेंगे, मेरे को कांपने लगे थे, मैंने पहले अपने को फिर काम किया, जैसे मैंने बोलता ना काम सीक्रेट टू सक्सेस, वैसे काम किया फिर दिया। तो क्या होता है तुम 2.5 घंटे में अगर पेपर करते हो तुम्हारी स्पीड मोर देन इनफ है, तो तुम बोर्ड्स में 3 घंटे से पहले कर लोगे ताकि तुम्हें रिवीजन का टाइम मिले, क्योंकि रिवीजन में ऐसा होता है कि बहुत बार गलतियां तुम्हारी निकल जाती है, तुम उसे करेक्ट कर सकते हो। अब 3 घंटे में करोगे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। जी सही बात है। ठीक है बेटे, एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। हम आशा करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप बहुत बड़े बनो। आपके पर्सनल फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बहुत अजीब क्वेश्चन है, आप बहुत लोगों ने पूछा होगा आपसे, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, आप क्या चाहते हो कि क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स? मतलब मेरे जैसे कहते हैं रेलगाड़ी पटरी बदलती रहती है, वैसा ही है। साइंस लिया मैंने, करना था इंजीनियरिंग, लेकिन 11th के बाद मेरे को ये समझ आया कि इंजीनियरिंग मेरे को तो भाई इतनी देर बैठ के मेरे से नहीं होगी, तो मैंने क्या किया इकोनॉमिक्स के साइड में चेंज हो गया। अब क्या है मेरा कि मेरे को बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है और मतलब उसके बाद एमएससी करनी है इकोनॉमिक्स में या फिर एमबीए करूँगा और फिर एक प्राइवेट फर्म में जॉब करनी है। लेकिन मेरा बेसिक अल्टीमेट एम है मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, स्टैंड अप कॉमेडियन। तो ये जो ये सब अभी है इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब बस पेरेंट्स को थोड़ा दिखाने के लिए है, जैसे मतलब कि हाँ हो गया मेरा करियर सिक्योर हो चुका है। जैसे मैं अभी भी करता हूँ फॉलो, जैसे मैंने बोला ना को करियर मैं स्टैंड अप, जो भी तुम्हारा पैशन हो ना साथ साथ फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारे सेट्स वगैरह देने गया था स्टैंड अप के सेट्स वगैरह जब मैं 12th में था, इवन मतलब दिसंबर मैंने जैसे बोला मैं गया था। तो मेरा अल्टीमेट तो यही है कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। चलिए भगवान करे बेटे आप जो चाहो आप वो बनो, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करिए, आप अच्छे से नौकरी करिए, आप सबसे बड़े आदमी बनिए दुनिया के, और आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनिए। बहुत बहुत अच्छा लगा निशांत आपसे बात करके, और टच में रहिएगा। हाँ और तो रहना ही है और बस आप दैट्स इट और बस जिंदगी भर पूरे खुश रहिएगा। थैंक यू सर, दैट्स अ लॉट दोस्तों, ये निशांत के साथ इंटरव्यू है। आई होप यू लाइक्ड इट, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा सबके साथ एंड मेक श्योर दैट एवरीवन सी दिस बिकॉज बहुत अच्छे ओपिनियंस बहुत अच्छे बातें बताई हैं निशांत ने। तो मेक श्योर कि आप ये सभी को बताइए, स्प्रेड दिस चैनल टू एवरीवन। वी नो बेटे एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।